अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल शेयर सिंपल भिंडी रेसिपी विथ यू ऑल। सो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम 250 ग्राम भिंडी ले लेंगे। आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह से काटना है भिंडी को। देन हम ले लेंगे 1 लार्ज साइज स्लाइस्ड अनियन एंड 6 चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड ये टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ले लेंगे एंड लेस देन हाफ टी स्पून हम हल्दी ले लेंगे एंड ये हम थोड़ा सा चॉप्ड टमाटो ले लेंगे। फिर हम 2 सर्विंग स्पून ऑयल को गरम कर लेंगे एंड देन हम इसमें भिंडी को पहले ऐड कर लेंगे। और ये जो भिंडी है इसे धोने के बाद हम इसे अच्छे से इसका पानी सुखा देंगे, या तो हम किचन टॉवल से इसे पोंछ कर सुखा दें या तो कोई जाली में रख के इसका पानी ड्रेन कर दें एंड देन फिर हम उसे कट करेंगे। क्योंकि अगर हमने गीली ही भिंडी को कट कर दिया तो फिर उसे बनाने में दिक्कतें आएंगी क्योंकि उसकी स्टिकीनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। एंड हम इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। देन हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। ये जो टमाटर है इसे हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसे ऐड करने से इसका जो स्टिकनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है और टेस्ट भी आता है। कुछ कुछ लोग लेमन भी ऐड करते हैं लेकिन लेमन ऐड करने से है ना इसका कलर भिंडी का चेंज हो जाता है, इसलिए हम टमाटर यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो अब हम टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, ये सॉल्ट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं लास्ट में क्योंकि अगर हम पहले सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो फिर भिंडी मॉइस्चर रिलीज़ करेगी और हमें भिंडी में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए, और इसलिए हमने अनियन भी भिंडी को थोड़ा पकाने के बाद ऐड किया था क्योंकि अनियन भी मॉइस्चर रिलीज़ करता है। एंड इवन जब हम भिंडी को धो लेते हैं इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है देन कट करना है, क्योंकि अगर हम गीली ही भिंडी को कट कर देंगे तो फिर पकाने में बहुत दिक्कत होगी। सो अभी हम फ्लेम को लो कर दिए हैं।
लेकिन ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी हार्ड रेसिपी नहीं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, वरना भिंडी खराब हो जाती है। और अगर हम भिंडी का सालन बनाएंगे या फिर दूसरी कोई भिंडी से डिशेस बनाएंगे तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती है, बट ये जो हम अनियन भिंडी बनाते हैं इसमें ज़्यादातर दिक्कतें आ जाती है बनाने में, कढ़ाई में चिपक जाएगी या कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, अजीब सा हो जाता है। सो अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो फिर हाँ अच्छे से बनेगी आपकी भिंडी। सो फ्रेंड्स, हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है तो हम अभी इसे डिश आउट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि हमारी अनियन और भिंडी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।